बताइए, सुबह से लेकर अब तक जितनी चर्चा हुई, कल भी जो चर्चा हुई, अगर उस पर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पहले प्रश्नों पे बात कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बताएं। भैया, इसे मतलब समृद्धि जब स्टार्ट की थी तो आपने बोला था कि मेरी समृद्धि मेरे ऊपर ही निर्भर है। फिर आपने चार स्टेप्स में बताया था कि परिवार की आवश्यकताओं को पहचानना, तो मेरी समृद्धि तो मेरे परिवार पे निर्भर हुई ना, सिर्फ मेरे पे निर्भर कहाँ से? नहीं, मैंने कहा कि मेरी समृद्धि मेरे पे निर्भर है। मैंने ये कहा था कि सुखी होने का जो कार्यक्रम है वो मेरे पे निर्भर है। सुख के बारे में तब बात चल रही थी कि सुखी होने का कार्यक्रम तो मेरे पे निर्भर है, अगर मैंने सही सही समझ रखा है तो मैं सुखी हो पाता हूँ। लेकिन समृद्धि को देखने जाएंगे तो समृद्धि में बहुत सारी चीज़ें जो मेरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं वो तो मेरे पे निर्भर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो परिवार में हम लोग कॉमनली शेयर करते हैं वो तो पूरे परिवार में ही निर्धारित होगा। और थोड़ा और ऊपर उठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें तो समूह में, एक ग्रुप में शेयर होती हैं। हॉस्पिटल ग्रुप में शेयर होता है, आपके स्कूल ग्रुप में शेयर होते हैं, सामाजिक संस्थाएँ हैं ये। तो समृद्धि में कुछ सामाजिक पक्ष भी है। और फिर लास्ट में जाकर देखेंगे तो सबकी पूर्ति कहाँ से होनी है? प्रकृति से। तो समृद्धि में तो ये चारों जुड़ते हैं। शुरू कहाँ से होंगे? अपने से। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो परिवार में तय होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो समाज में तय होंगी, और ये सबकी पूर्ति कहाँ से होगी? प्रकृति से। लेकिन इन सारी आवश्यकताओं को पहचानने का काम शुरू कहाँ से होगा? मेरे से। तो मैं अपने लिए पहले पहचानूंगा, फिर मिल बैठ के परिवार में पहचानेंगे, है ना। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सामाजिक स्तर पर तय होंगी, जो सामूहिक होंगी, है ना। जैसे पूरे गांव में खेल का मैदान अगर बनना है तो वो सामूहिक ही बनेगा। पूरे गांव में अगर कुछ शादी विवाह के लिए कोई स्थल रखना है वो सामूहिक ही होगा। तो कई चीज़ें सामूहिक रूप पर, सामाजिक रूप में तय होंगी। तो समृद्धि को देखने जाएंगे तो इन सभी जगहों पर कनेक्ट होता है। शुरू कहाँ से करेंगे? अपने से। लेकिन खत्म अपने पे नहीं हो रहा भाव, लेकिन उसका किस में रहेगा? एक एक व्यक्ति में रहेगा। तो मतलब अगर मेरे अंदर मेरा भाव स्थिर हो गया है और मेरे परिवार में नहीं हुआ है तो वो पूर्णतया मैं समृद्ध नहीं हो पाऊंगी जब तक परिवार। आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे तो समृद्धि फील करेंगे, है ना, लेकिन ये होगा कि जिन चीज़ों में सामूहिक रूप से चीज़ें तय होनी है उसमें आपके तरफ से तो निश्चितता रहेगी, आपके तरफ से निश्चित रहेगा कि भाई परिवार में हमको चार कुर्सी की ज़रूरत है, चार है। लेकिन परिवार के लोगों के तरफ से अगर स्पष्ट नहीं हुआ है तो उनको लगेगा कुर्सी से कहाँ घर चलता है, तो सोफा का ज़माना है। तो वो अपने विचारों में अनिश्चित अस्थिर रहेंगे, बार बार सोफा खरीदने की जिद करेंगे। लेकिन आपके तरफ से स्पष्टता रहेगी कि भाई कुर्सी से भी व्यवस्था चली सकती है। तो दुख तो बना रहा ना, मतलब जैसे अगर कुछ, जैसे मान लो मेरी शादी कर रहे हैं तो मेरे को चाहिए कि सिंपल हो, पर उनको चाहिए कि सिंपल नहीं हो शादी में, एकदम तो दुख तो मेरा बना रहा ना। वो तो बहुत सारी चीज़ें, जब आग लगती है तब हम कुआं खोदना शुरू करते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो परिवार में हम चाहते हैं कि हारमोनी के साथ तय हो, उसके लिए एफर्ट हम आखिरी मोमेंट पर अगर शुरू करते हैं जब कुछ निर्णय एकदम तात्कालिक होने हैं, तो वो तो जो पारिवारिक स्थिति परिस्थिति है वो सबका प्रभाव आएगा ही, है ना। लेकिन बहुत सारा जो काम है ना, मतलब अगर वो थोड़ा समय से शुरू हो जाता है परिवार में तो एक वातावरण बन पाता है। अगर नहीं शुरू हो पाया है, एकदम से अभी शुरू करना है, तो परिवार जिस स्थिति परिस्थिति के साथ है उसके साथ प्रस्तुत होता है। तो अभी शादी जैसे मुद्दों पे तो मुझे लगता है थोड़ा आगे चलें, समाज तक चलें, तो कम से कम वहाँ चल के ठीक से बात हो, है ना। लेकिन ये बात तो ठीक है कि आप अपने तरफ से विरोध में आकर बात कर रहे हैं परिवार के साथ, या अपने तरफ से हारमोनी में रहते हुए बात कर रहे हैं, दोनों स्थिति में परिवार में जो बातचीत हो रहा है और जो निर्णय हो रहा है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। तो कम से कम वहाँ से तो काम शुरू हो, फिर आगे का देखेंगे। सर, इसमें दरअसल जितने भी हमारे अगर जो धर्म के प्रवर्तक हैं, अगर उनकी हम बातें देखें तो अल्टीमेटली उन्होंने जो बात की है वो आंतरिक सुख की है, समृद्धि की उन्होंने बीच में बात नहीं की है।
और अगर उनका हम वो भी देखें, खुद का उनका जीवन भी देखें, तो उन्होंने समृद्धि को एक तरीके से त्यागा है। और अगर बाकी योग शास्त्र में भी हम देखें तो उसमें अपरिग्रह की बात करते हैं वो लोग। और इसमें दरअसल समृद्धि, मेरे विचार अब तक जो दिमाग क्वेश्चन ये आ रहा है कि समृद्धि सुख के रास्ते, और सुख में ये एक रास्ता है, पड़ाव है, मैं सही हूँ या अभी क्लैरिटी की जरूरत है? आपको क्या अनुमान है इसके बारे, आपको अपने बारे क्या अनुमान है? सुख के रास्ते में एक पड़ाव है, मतलब एक माध्यम है बस हमारी फिजिकल आवश्यकताओं को पूरी करने का, परंतु अल्टीमेट मतलब सुख ही अल्टीमेट की अगर बात करें तो वो सुख है। आवश्यक नहीं है कि अगर समृद्धि हो जाए तो भी अब सुख हो जाए, अल्टीमेट पहुंचना जहाँ है वो सुख पे पहुंचना है। तो मुझे लगता है पहले सुख की बात कर लेते हैं फिर लौट के समृद्धि की बात करते हैं। तो इसलिए मैंने तो अपने स्लाइड में पहले सुख को रखा है, तो पहले सुख की बात करके फिर समृद्धि पे लौटते हैं। तो आपके प्रश्न के कारण समृद्धि पे पहले आ गया था, मुझे लगा समृद्धि आपके लिए पहले जरा महत्व रखती है। लेकिन समृद्धि को हम सीधे सीधे भी समझ सकते हैं बिना बहुत महापुरुषों को बीच में लाए। आप सीधे सीधे अपने से पूछ के देखिए कि आपको सुविधाओं का भोग सहज स्वीकार है, या सुविधाओं का त्याग सहज स्वीकार है, या उनका सदुपयोग सहज स्वीकार है। सदुपयोग सहज स्वीकार, बाकी लोगों को क्या सहज स्वीकार, भोग त्याग या सदुपयोग? आप इसके लिए बहुत महापुरुषों का कंधे का सहारा लेने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे देख सकते हैं। एक विधि है जीने का भोग, और एक विधि है त्याग। आदमी भोग करते करते थक जाता है तो कहाँ जाता है, त्याग करते करते थक जाता है तो जैसे भोग के साथ है ना, आप रसगुल्ला कितना खा सकते हैं, उसकी कोई सीमा है नहीं है। जैसे रसगुल्ले का प्लेट भर के पूरा रख दे आपके सामने, बोले खाओ आज, तो आप पहला रसगुल्ला खाएंगे, दूसरा खाएंगे, तीसरा खाएंगे, पांचवा खाएंगे, दसवां खाएंगे। किसी और को आके रोकना पड़ेगा कि आप अपने से रुक जाते हैं, एक जगह आकर अपने से रुक जाते हैं। तो लेट से दसवें रसगुल्ले पे आप रुक गए, अब जिस आदमी के घर जाके दस रसगुल्ले खाए थे, अब वो आके खड़ा हो जाए, बोले पांच अब मेरी मर्जी से खाओ, आप क्या होने वाला है? अब इस पूरे क्रम को देखिए हो क्या रहा। जब आप पहला रसगुल्ला खा रहे हैं तो सुख मिल रहा है, दूसरा खा रहे हैं तो सुख मिल रहा है या थोड़ा कम हो रहा है, तीसरे में, पांचवे छठे तक आते आते रसगुल्ला ही रह जा रहा, सुख गायब हो जा रहा है। फिर रसगुल्ला खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, उसका सुख से कोई जुड़ाव नहीं दिख रहा, लेकिन किसी तरह से खींच तान के दसवें तक आप पहुंचे। अब अगले पांच अगर कोई खाने को वही सेम स्वाद का, सेम लॉट का बना हुआ रसगुल्ला, स्वाद में कोई बदलाव नहीं है, है ना, खिलाने वाला भी वही है, बड़े भाव से खिला रहा है, लेकिन अब 11वें 12वें रसगुल्ले में वही रसगुल्ला जो सुख दे रहा था, और अब क्या दे, अब वही रसगुल्ला दुख देने लगता है। तो वही रसगुल्ला खाना जिसमें मजा आ रहा था, वो कहाँ पहुंच गया, असहनीय हालत में। लेकिन बीच में कोई नमकीन की प्लेट ले आए, थोड़ा नमकीन दबाने के बाद दो चार रसगुल्ले और दबाए जा सकते हैं। ये सब किसका मॉडल है, भोग का। लेकिन भोग में बहुत थोड़े ही समय में आदमी होश पूर्वक अगर भोग करे तो ये दिख जाता है कि अब इसमें सुख नहीं। तो जब तक गर्मी से बेचैन होते थे, लोगों को लगता था कि भाई एसी वाले बड़े मजे में, कूलर वाले बड़े मजे में, है ना। कुछ ही दिनों में, 10-20 बचा सालों में तमाम घरों में कूलर हो गए, ज़्यादातर घरों में भी अब एसी भी होने लग गए। कूलर और एसी में बैठ करने के बाद भी थोड़ा दो चार दिन तो मज़ा आता है, जब नया नया कूलर और एसी शुरू होता है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन महीने भर। उसके बाद एसी कूलर का सुख याद रहता है या बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल हो जाता है, रसगुल्ला खा रहे हैं जैसे 8वां 9वां रसगुल्ला खा रहे हैं वैसे ही हो जाता है?
बाद में उसी एसी में उसी कूलर में बैठकर बेचैन भी होते रहते, गायब भी हो जाता है सुख उसका। बल्कि थोड़े समय बाद बोलते हैं बंद करो इसको यार, बाहर चलो घूम के आते है ना, बात हो गया इसमें। ये भोग का देखने जाएंगे ना, थोड़ा भी होश पूर्वक देखेंगे तो एक सामान्य आदमी भी थोड़ी देर में देख लेता है कि उस भोग के बाद वो उससे उबने लगता है। लेकिन आदमी ने अपनी बहुत कलाकारियां डिजाइन कर रखी है, वो रसगुल्ले से उबता है तो नमकीन में लग जाता है, और नमकीन से उबता है आइसक्रीम में लग जाता है, आइसक्रीम से उबता है मोबाइल में लग जाता है, मोबाइल से उबता है ना किसी और चीज़ में लग जाता है। तो भोग में पर्याप्त उसने वैरायटी बना रखी, तो अलग अलग तरह की चीज़ें भोगता रहे, तभी आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे। तो सुखी होने के लिए भोग करने के अलावा और क्या विकल्प अपनाएं, वैरायटी ऑफ चीज़ों का भोग करने के अलावा क्या विकल्प अपनाएं। ये खा लें, ये देख लें, वो पी लें, उधर घूमाएं, ये एक माध्यम है, लेकिन ये सारी सीमाएं एक जगह जाकर के रुक जाती है। जब दिख जाता है कि सारी जगह जाकर के भी फिर लौट लौट के वहीं आ जा रहे हैं, निकल कुछ नहीं रहा है, बल्कि और झंझट हो गया, इतनी सारी सुविधाएं घर में भरनी पड़ गई, इनको संभालना ही एक काम है, तब आदमी के मन में आने लगता है ये सारी सुविधाएं ही दुख का कारण है, इन्हीं के कारण बेचैन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो इन सबको क्या करें, त्याग। तो त्याग करें, अब इकट्ठा तो बड़े मेहनत से किया था, अब त्याग करेंगे तो किसी को तो देंगे, तो किसको देते हैं, है ना, किसी को तो देंगे त्याग करके, तो देखते हैं समाज में किसको दिया जाता है, दिया जा सकता है, तो ऐसे लोग जिनके बारे ऐसा लगता है कि वो लोग काफ़ी ठीक से काम कर रहे हैं, बढ़िया जो है समाज में लगे हैं, आश्रम वगैरह चला रहे हैं, वहाँ जाते हैं उनको दान दे देते हैं, तो वो भी बढ़िया अपना आश्रम जो पहले प्राकृतिक बना रखा था एयर कंडीशन बना लेता है। वही जो पैदल चलता था अब स्कॉर्पियो से चलने लगता है। जो पैर में खड़ाऊ पहनता था अब चांदी की चंपल पहनने लगता है। तो वो कहाँ जी रहा था, अब इन्होंने छोड़ा सब, तो जो त्याग वाला था वो कहाँ चला गया, अब भोग वाला कहाँ आ गया, फिर चर्किल कुछ दिन चलता है फिर वापस पलटता। अभी ऐसे ही चक्कर में तो नहीं घूम रहे गोल गोल, जब यहाँ बैठे हैं तो लगता है ये लोग मौज में, तो बड़ा अट्रैक्ट करता है आश्रम ना, और वहाँ के जीने की पद्धति और वो एक संतुलित जीना, तो कुछ दिनों में वो अट्रैक्ट करता है, लगता है वैसा जीने लग जाए तो सारा दुख दूर हो जाए, बोले सब त्यागो, कुछ ही दिनों में वो अपना जो है पूरा सजा लेते हैं, महल बना लेते हैं, आप घुसे तो ऐसा लगता है कि वो किसी राजा के साम्राज्य में आ गए। तो आप तो जा रहे हो और ये कहाँ चले गए, तो ऐसा ही चक्कर तो नहीं चल रहा समाज में, देखेंगे तो ऐसा चल रहा है, व्यक्ति के भीतर भी ऐसा ही चल रहा है, कुछ दिन भोग कर रहे हैं फिर कहाँ चले जा रहे हैं, बोले अब दो चार दिन व्रत करेंगे, अब उपवास रखेंगे, फिर उपवास भी इसलिए नहीं कर रहे फिर कि स्वस्थ हो जाए, इसलिए कर रहे हैं कि फिर वापस भोग करने के लायक हो जाए। तो भोग त्याग चल रहा है, सहज स्वीकार क्या है, भोग त्याग या सदुपयोग, तो भोग से सदुपयोग में आ जाए, त्याग से सदुपयोग में आ जाए, तो ये स्थिति की निरंतरता हो सकती है। अब ये बात को जांचने के लिए बहुत महापुरुषों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है ना, ओके, महापुरुष का जो चेतना स्तर है बिना उनकी चेतना स्तर पर जाए बगैर वो जो बात कह रहे हैं वो बात बहुत पकड़ में भी नहीं आती, ज्यादातर समय देखेंगे तो वो बात तो कर रहे होते हैं इसकी, लेकिन हम इसको कहां से जोड़ देते हैं, तो वो तो प्रकृति से उतना ही ले रहे होते हैं जितना उनको आवश्यक लगता है, हम अपनी तुलना में उसको देखते हैं तो हमको वही क्या दिखता है, त्याग दिखता, लेकिन उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं हमारी इतनी ही आवश्यकता, जितनी है उतना हम ले रहे, तो व्यक्ति अपनी दृष्टि में कहां जी रहा है, लेकिन हम जब अपनी जगह से उसको देखते हैं तो कैसा दिखता है, त्याग जैसा दिखता है। इसलिए कह रहा हूं कि सब महापुरुषों ने भी जो बातें कही हैं बहुत जल्दी कंक्लूजन की जगह पहुंचने की जरूरत नहीं है ना,
बहुत बड़ी चेतनाओं के साथ बातें की हैं उन लोगों ने उसको। तो आदमी को न भोग स्वीकार है, न त्याग स्वीकार है, सहज स्वीकार क्या है? सदुपयोग। इसलिए इस लाइन को भी बार बार कहा गया है परंपरा में कि सदुपयोग ही सुख है। बक्सा में बंद कर लेना सुविधाओं को, ये सुख नहीं है। सदुपयोग ही सुख। आपने 500 कपड़े बक्से में बंद कर लिए, पहनेंगे तो कोई दो ही दिन भर में नहीं। और एक स्थिति, अब आपको दिख गया कि आपके पास 40 जोड़ी कपड़े हैं, जरूरत आपको 25 की है, 15 आपकी आवश्यकता से अधिक है, 5-7 जोड़ी कपड़े आपने किसी के साथ शेयर किए, तो जब शेयर करने के बाद वो उसका सदुपयोग कर रहा है, वो देखकर आपको अपने में बेचैनी होती है, आराम मिलता है, आराम मिलता है, क्योंकि उसका सदुपयोग हो पा रहा है। और जब जब अपना बक्सा खोल कर देखते हैं, अरे ये तो 4 साल से पहना ही नहीं, अरे ये तो खरीद के भूल ही गए, ये तो 3 साल से रखा ही है, ये देख देख कर अपने में आराम मिलता है, बेचैनी मिलती है। वो क्या मिलता है, बहुत सारा आपके चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। वो तो कैसा मिलता है आपको पता ही चलता होगा, जब भी आप बक्सा अपना खोलते हैं, कोई सुविधा ऐसी दिखती है कि 5 साल से रखा है, प्रयोग नहीं कर पा रहे आप, 4 साल से कपड़े रखे हैं, प्रयोग ही नहीं कर पा रहे, तो कभी ध्यान दीजिए अपने ऊपर, ये देख कर कैसा फील कर रहे हैं आप। हाँ, उसको तो सीधे सीधे ऑब्जर्व किया जा सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है ना। लेकिन ये दूसरा वाला बात कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस समय हम अपना बक्सा खोलते हैं और 2-4 चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं कि 5-7 साल से हमने प्रयोग ही नहीं किए, आगे कब प्रयोग करूँगा ये भी नहीं तय हो पा रहा है, अब उसको देख के कैसा लगता है, क्या फीलिंग आती है, वो मैं जानना चाह रहा हूं। और अच्छा लगता है। ये जो बार बार मैं समृद्धि की चर्चा करते हुए कहता हूं कि घर जाइए और साहस करिए किसी दिन, और अपनी सारी अलमारी और कबर्ट ये सब खोल डालिए और गिन डालिए कितने कपड़े हैं, है ना, है? हाँ, थोड़ा तो साहस चाहिए, है ना। दूसरों के कपड़े गिनने में उतनी साहस नहीं चाहिए। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, खुद के कपड़े गिन के आपने बोला ना कि सदुपयोग करने के लिए, तो बाहर फेंकने के लिए घर पे जो और एक सज्जन है उनका भी मूड का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं नहीं अभी तो मैंने फेंकने को कहा भी नहीं, नहीं फेंकने को नहीं, रखने के लिए भी बोला, अभी तो मैंने सिंपल इतना कहा कि साहस करके गिन डालिए। अच्छा, गिन डालिए, ओके। उसके आगे अभी कुछ नहीं कहा मैंने, उसके आगे ये कह रहा हूँ कि ये और ध्यान दे लीजिए कि इसमें से ऐसे कितने कपड़े हैं जिनको पिछले 3 साल से मैंने नहीं पहना, और इसमें ऐसे कितने कपड़े हैं जिनको पिछले 5 साल से नहीं पहना। सिंपल गिन लीजिए बस, और उसके बाद थोड़ा अपने पे ध्यान दीजिए कैसा फील कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ही है, फील हैप्पी, फील अनहैप्पी, फील हार्मनी, फील डिसहार्मनी, ये सब प्रयोग किया जा सकता है ना। कपड़े तो मेरे पास ज्यादा नहीं, पर बाकी कुछ ऐसे सामान है जो कुछ सालों से उपयोग नहीं लिए, तो बड़ा अनईजी क्यों लगता है उसमें? वही, क्योंकि धीरे धीरे देखेंगे तो प्राकृतिक बनावट ही नहीं है आदमी का चीजों को एक जगह व्यर्थ में इकट्ठा करके रखने का। बहुत बड़ी, बहुत ही जबरदस्त, प्राकृतिक बनावट ही नहीं है आदमी की, प्राकृतिक बनावट ही है समृद्धि में दूसरों के सहायक होने का। वही तो, आप देखेंगे तो वो दिख गया अपने में कि यही मेरी प्राकृतिक बनावट है, इसी में मेरा सुख है, यही जागृति है। वाह, क्या बात है। और क्या जागृति, कोई अलग ही घटना तो है। जितना जितना दिखते जा रहा है उतना ही तो जागृति एकदम, है ना। बहुत सारे टर्मों को बहुत बड़ा मान लिया, एक एक कदम पे जो चीजें दिखते जा रही कि हाँ यही रियालिटी है, इसी में मेरा सुख है। प्रकृति में ये जो अननेसेसरी चीजों को होल्ड करके रखना,
ये आदमी की बहुत बनावट नहीं है, इसलिए वो बेचैनी, क्योंकि उसको सहज स्वीकार ही नहीं है। अपने को समझ में आ गई तो अपने संदर्भ में ये सब करना वहां तक ठीक है, दूसरे को अभी समृद्धि समझ में नहीं आई है और उनको इस तरह से जब अपन कहते हैं तो एक प्रभाव में आके हो सकता है कुछ कर दें, लेकिन उसके बाद भी बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि अगर उनकी हालत ऐसी है और आप उनके लिए कुछ इस तरह का कर दें तो काफ़ी उनके लिए पीड़ादायक हो जाता है कुछ दिनों बाद, फिर उस सबका प्रभाव संबंध पे आता है। नहीं, मैं उसको जनरलाइज ही इस बात को कह रहा हूँ, इसलिए वो ध्यान देना जरूरी है कि आदमी को सुविधा की आवश्यकता की पहचान हुई है या अन्यथा रिस्की है। जी बट सर, आप ये कह रहे हो कि जैसे कपड़ों का एग्जांपल ही ले लेते हैं कि हम लोग मेनली अगर 5 जोड़ी कपड़े में भी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, पर ये जो सारी चीज़ें मेनली लड़कियों में कि ये सारी चीज़ें तो पुराने ज़माने से चली आ रही है ना, हम देवी देवताओं को भी देखते हैं तो उनमें जो देवियाँ थी वो भी श्रृंगार करती थी अलग अलग तरह के, तो सर ये तो मान्यता चली आ रही, तो अब हम लोग के चेंज कैसे कर सकते हैं ये सारी? नहीं तो कर लीजिए, हमने कहा मना किया? लेकिन उसमें भी उसकी भी आवश्यकता निश्चित होगी ना, क्योंकि पुराने जमाने की भी देवियाँ थी जैसे लक्ष्मी जी, माता सरस्वती वगैरह, राधा जी, वो सब भी श्रृंगार वगैरह करती थी, उनके पास भी इतने सारे गहने वगैरह, गहने इतने सारे कपड़े होते थे, तो ऑब्वियसली पुराने ज़माने से चला आ रहा है, तो फिर वो तो अपन, और ये भी नहीं कि जैसे अपन बात करते हैं कि हम क्रोधित होना कम कर ले वे, हमारी लालसा कम कर ले वे, तो क्रोधित होना जैसे शिव जी मतलब सारे भगवानों में था कि क्रोध, तो हम बस उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, पर बिल्कुल हम नष्ट तो नहीं कर सकते हमारे जीवन से, कि मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा क्रोध पूरा नष्ट हो जाए, तो बट सर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये हमारी इनहेरेंट फैम या हेरिडिटी है कि हमारे पूर्वजों से चले आ रहे, तो ये सारी चीज़ें बहुत कम हो सकती। देखिए, हम तो अपने तरफ से एक दिन भी नहीं बोले कि आप क्रोध मत करिए, आप रोज करिए, आपकी चॉइस है। नहीं, चॉइस की नहीं, बट तो भी ऐसी सिचुएशंस बन जाती है, क्रोधित होना पड़ता है उस जगह पे, तो फिर क्या कर सकते? लेकिन धीरे धीरे तय करना पड़ेगा कि ये प्रेरणा जो आप ले रही हैं भगवान से, बाकी लोग भी लें ना लें, आपके साथ रहने वाले। वो सबको तय करना पड़ेगा ना फिर, और जब वो ऐसी प्रेरणा लेके आपके साथ वैसा जी रहे हैं तो आपके लिए सुखकारी है दुखकारी है, तो पूरा इवेल्युएट करना पड़ेगा ना। नहीं तो धीरे धीरे, और इसीलिए कहा कि एक चेतना का स्तर के साथ ही ये सबका अध्ययन हो सकता है, जिन लोगों का रेफरेंस लिया जा रहा है ना, एक अलग तरह की चेतना के साथ उसके हम इसी तरह के निष्कर्ष निकालते हैं, है ना, उन सबको भी देखेंगे, है ना। तो जैसे आपने शंकर जी का नाम लिया, वो व्यवस्था में कुछ व्यवधान आ रहा है उसको लेकर के उन्होंने कुछ तांडव किए, इस बात का तांडव करते हुए बहुत नहीं दिखाई देंगे कहीं कि मेरा कुछ, मेरे के लिए कुछ किया इसने इसलिए इसके साथ तांडव कर रहे हैं। पूरी कोई व्यवस्था है बहुत बड़ी और कोई उसमें उस व्यवस्था को कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, उसके साथ उनके तांडव के बहुत सारे आपको विवरण मिलेंगे। इस बात का विवरण नहीं मिलेगा बहुत कि वो जो है उनके घर में आके किसी ने कुछ उनकी सामान ले लिया और उन्होंने तांडव शुरू कर दी, वही ऐसा बहुत नहीं मिलेगा आपको। तो उसी लिए कह रहा थे, क्योंकि देखते तो उतने ही दृष्टि के साथ हैं जितनी हमारी अभी चेतना का विकास हुआ, तो उसमें हम उतना ही निचोड़ के निकालते हैं जिससे हमारी मान्यताएं बची रहें। नहीं तो धीरे धीरे देखेंगे तो पता लगेगा, उन सबको भी समझने के लिए थोड़ी दृष्टि और विकसित करनी पड़ेगी, है ना, अन्यथा हम इसी तरह के निष्कर्ष निकाल के बैठ जाते हैं। बढ़िया है, तो अभी देखेंगे तो अभी तो झंझट यही आ गया है कि अभी की ज़्यादातर महिलाओं को देखेंगे तो देवियों से जो प्रेरणा लेकर देवी स्वरूप उनको बनना था, अभी तो बहुत सारी देवियों से प्रेरणा ले रही हैं, वो झंझट है ना। और वो जो प्रेरणा उन सब देवियों की है वो सब फिल्मों से आ रही हैं, है ना, अब बड़ा मुश्किल हो गया है, है ना, अन्यथा देवी का स्थान ही था,
बहुत सारे परंपराओं में तो लड़कियों को पैर छूने का भी से भी मना कर दिया जाता था। घर के बड़े हों बुजुर्ग हों उन्हीं का पैर छूते थे, अभी भी वो सब परंपराएं। लेकिन उन सब देवियों से प्रेरित होकर देवी जैसा बनने का जो काम था वो करती थी। इतने सारे लोगों के है ना जो बेचैनी थी घर में उन सबको एब्जॉर्ब करती थी। कोई बाहर से कितना भी बेचैन होके आके चिल्ला ले लेकिन बहुत ठंडे मन से पानी परोसती थी, बहुत प्यार से दो बार पूछ लेती थी ठीक है नहीं ठीक है, उतने से वो बाहर का सारा आवेश उसका पच जाता था। तभी तो आके 50-60 लोगों का परिवार चला है ना, वो कोई सामान्य काम नहीं था, बहुत देवी जैसा ही काम था। 50-60 लोगों के परिवार को एक धुरी की तरह बीच में जम करके और उसको चलाना, जाने कहाँ से कितने लोग किस किस तरह के आवेश को लेके आते थे और वो घर की महिलाएं उन सबको एकदम एब्जॉर्ब करती थी, पचा लेती थी। घर में छोटा बच्चा कितना भी उपद्रव करता था उसको महिलाएं अपने में पचा करके बाहर के व्यक्ति तक जाने भी नहीं देती थी। महिलाओं के इतने मतलब उस मजबूत उसके साथ ही इतने बड़े बड़े परिवार चले है ना, तो वो सब जब दिखता है तब समझ में देवी आती है। ये श्रृंगार भर देख के देवी समझ में नहीं आती, तो बाहर से लोग आकर चिल्ला लेते थे लेकिन वह नहीं चिल्लाती थी। वो जिस ढंग से एक एक आदमी के भोजन का ध्यान रखती थी, एक एक आदमी के स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी, उसके साथ बाकी लोग उसको बिल्कुल है ना माँ की तरह स्वीकारे रहते थे। वो माँ के अधिकार की तरह घर के बच्चे को भी डांट लेती थी, बड़े को भी डांट लेती थी, कई बार बुजुर्ग को भी डांट लेती थी अगर टाइम पे खाना नहीं खा रहे थे है ना। तो होगी बहू की भूमिका में लेकिन माँ की तरह डांट लेती थी घर के बड़ों को भी, और वो लोग उस तरह से स्वीकार पाते थे क्योंकि उतना वो ध्यान रखती थी। उतने के साथ इतने बड़े बड़े कुनबे चले नहीं, तो आप देखने जाएंगे तो दिखेगा कि बहुत देवी जैसा काम कर रही है वो, है ना। वो देवित्व तो चला गया इसलिए परिवार सारे बिखर गए, देवित्व की जगह डिमांडिंग हो गए। देवित्व मतलब दूसरों को आराम देने वाला, वो चला गया इसलिए पूरे घर बिखर गए। करेंगे सब पे भी बात आगे करेंगे है ना, लेकिन है कुछ कह रहे भैया जी, जो भी आपने यहाँ एग्जाम्पल दिया था, जो हम समृद्धि की बात भी कर रहे हैं, संबंध की बात भी कर रहे हैं और साथ में समझ की बात भी कर रहे हैं, तो एक 250 ml का जो ग्लास इधर है जिसमें क्लोज हैं और एक दूसरा है जिसमें पेंदी नहीं है, तो वो भर नहीं पाएगा, चाहे हम जग से भरें चाहे बाल्टी से भरें चाहे पूरा परिवार लग के भरे। तो एक परिवार का अगर एग्जाम्पल लें जिसमें एक पहला केस है और दो एक इसके बीच का केस है, बीच का भी नहीं होगा खैर, एक दूसरा केस इस तरह का है, तो जिसको ये है कि मेरा फिज़िकल फैसिलिटी का कोई लिमिट नहीं है या लिमिट भी है तो वो एक्सटेंडेड जो कि सदुपयोग में नहीं आता है, तो जब जिसको एक समझ भी आ गई है और अब उस समझ के साथ संबंध और समृद्धि दोनों के भाव को एंश्योर करने की जो को है भाव है, तो उसमें जब जिसको समझ नहीं आ रहा है और वो इस तरह की महत्वाकांक्षा में या इस एक गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से इसमें लगा हुआ है, तो फिर उस परिवार की समृद्धि अगर तय करने भी जाते हैं तो समझ के साथ में, तो कहीं कहीं जो इस तरह की महत्वाकांक्षा में है उसको पीड़ा होती है या दुख होता है, तो फिर म्यूचुअल हैप्पीनेस की तो संभावना वहाँ कम हो जाती है। तो यहाँ हम संबंध की अगर प्रायोरिटी देखें और फिज़िकल फैसिलिटी अवेलेबल हैं लेकिन वो सदुपयोग नहीं दिख रहा है, उसी फिज़िकल फैसिलिटी को सदुपयोग में लगाया जा सकता है, जो हमारा शक्तियाँ हैं मन तन धन, तो उनको हम सदुपयोग में लगा सकते हैं और वो समझ भी आ गई है, लेकिन दिख रहा है कि वो नहीं समझ रहा, तो कहीं हम निर्णयपूर्वक भी उस पर जाते हैं कि हाँ ठीक यहाँ तक हम करेंगे एक समझ के साथ में, लेकिन जब उसको समझ नहीं आता तो वो अपना पूरा जीवन फिर अर्थ में लगा देता है, धन कमाने में लगाता है, तो उसकी समझ बढ़ाने का समय भी नहीं मिलता और स्वास्थ्य के साथ भी उसका प्रॉब्लम हो रहा होता है,
जो कि समझ वाले को दिख भी रहा होता है, तो अब वो यहाँ पर संबंध और फिजिकल फैसिलिटी में किस तरह से चुनाव करें या किस तरह से बैलेंस करें? वही तो अपने को पहले तो ये देखना चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति में समस्या सुविधा के अभाव का है कि समझ के अभाव का है? समझ के अभाव का है ना, तो ये वाला काम उस व्यक्ति में थोड़ा गड़बड़ है इसलिए प्रॉब्लम है, ये दिखे, ये दिख जाता है तो अपने को तो क्लियर हो जाता है कि ये सुविधा का प्रॉब्लम नहीं है, सुविधा से ना सॉल्व होगा ना सुविधा से ये रिजॉल्व होगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक जब भी होगा वो किससे होगा? इसी से होगा, है ना। अच्छा, सामने वाले में ये अभी हुआ नहीं है और हम अपने तरफ से उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दें, खासतौर से उसके डोमेन में, तब वो आराम में रहने वाला और बेचैन होने वाला है, बेचैन वो और बेचैन होने वाला। लेकिन हम अपने जो व्यक्तिगत जितना हमारा रेंज है, जो हम सुविधाओं का जितना प्रयोग कर रहे हैं जिनका, उसके बारे तो हम निश्चित हो सकते हैं जी। कि भाई हम कितना भोजन करेंगे, कितने कपड़े पहनेंगे, है ना, कितने जूते चप्पल रखेंगे, कितने अन्य संसाधनों का प्रयोग करेंगे, वो वाला डोमेन तो हम निश्चित कर सकते हैं, है ना। अब उतने के साथ अगर सामने वाले व्यक्ति के साथ संबंध पूर्वक जीना हो पा रहा है तो धीरे धीरे उसमें जहाँ जहाँ संवाद की स्थिति बनती है, है ना, वहाँ वहाँ से संवाद थोड़ा बहुत शुरू होता है, है ना। और उस संवाद के माध्यम से जैसे ही आप सुविधा को रोकने की बात शुरू करते हैं वो झंझट खड़ा होता है। तो मुझे लगता है वहाँ पर सुविधा को रोकने की जगह जो सुविधाएं हैं उनका सदुपयोग कैसे हो सकता है उस पर कम से कम चर्चा शुरू हो, जो भी घर में सुविधाएं हैं ये कैसे सदुपयोग शुरू किया जा सकता है, और थोड़ा हम लोग कुछ सिस्टम बनाएं जिसमें मॉनिटर हो सके कि किस सुविधा का कितना सदुपयोग हो रहा है, है ना। तो धीरे धीरे सदुपयोग पे ध्यान जब जाना शुरू होगा तब उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत स्कोप बने कि वो व्यक्ति भी आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानने के लिए तैयार हो, तत्पर हो, तब जाकर के जो उसके डोमेन की चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। आपके समझ लेने से तो वो नहीं सॉर्ट आउट होंगी, आपके समझ लेने से आपका आराम पक्का होगा, वो जब तक नहीं समझेंगे उनका आराम तो नहीं होगा, वो बेचैनी तो बढ़ेगी। तो मेरे को जो समझ में जो आता है कि ये तीन स्टेप है, अपने वाले को तो किया जाए, सदुपयोग पे ध्यान लेके जाया जाए, फिर योग संयोग बने तो आवश्यकता को समझने का काम किया जाए। तो भैया इसमें एक स्थिति और बन जाती है, क्योंकि वो भी अर्निंग मेंबर हैं तो वो ये सोचता है कि मैं जो फिजिकल समृद्धि को जो समझ रहा हूँ उनकी समृद्धि का लेवल ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा। जैसे हम एक कार का एग्जाम्पल ही लें तो एक की कार का हो सकता है 5-6 लाख की कार से काम चल जाए, एक का मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 12-13 लाख-14 लाख की कार का हो सकता है। उसको लगता है कि ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो क्या करता है कि अपनी जो धन कमाने की जो या स्किल जो है उसको बढ़ाने में अपना जीवन का बहुत ज़्यादा समय देने लगता है, और वो फिजिकल फैसिलिटी मैं उसकी पूरी कर सकता हूँ लेकिन सदुपयोग की भाव से, समझ के भाव की वजह से करना ठीक नहीं लगता है। तो वो पूरा प्रोग्राम उस तरह का बना लेता है कि मेरी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए मैं 9 घंटे नहीं 12 घंटे काम करूँ लेकिन मैं उसको एक्वायर कर लूँ क्योंकि मेरा मिनिमम है जो कि संबंध के भाव के साथ मुझसे मिल सकता है इजीली, पर क्योंकि मैं अपनी समझ के साथ और मुझे लग रहा है कि वो उसका सदुपयोग नहीं है, उससे कुछ होना नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति या ऐसे कुछ पर्टिकुलर समय के लिए जिसमें समझ है उसको क्या करना चाहिए? समझ है तो धीरे धीरे हम सबको ये दिखना चाहिए कि हम जो कुछ भी निर्णय लेते हैं, है ना, जो कुछ भी जिंदगी के निर्णय ले रहे हैं वो हमारे समझ के स्तर से डिफाइंड हो रहा है, दूसरे आदमी का भी जो उसके समझ का स्तर है उससे डिफाइंड होगा। आपके समझ के स्तर से उसका नहीं डिफाइंड हो पाएगा, उसके समझ के स्तर से आपका डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो आप अपना तो अपने समझ के स्तर से तय करते हैं लेकिन दूसरे का भी एक डोमेन देते हैं उसको अपने तरह से प्रयोग करने का, कि भाई ठीक है जो अपने समझ के हिसाब से वो प्रयोग कर रहा है वो करे कुछ समय, लेकिन हम धीरे धीरे ध्यान दिलाते हैं बातचीत से कि जिस अपेक्षा से आप ये प्रयोग कर रहे हैं उसके परिणाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। भाई उन्होंने 5 लाख की जगह 12 लाख की गाड़ी ली तो किसी चीज़ की पूर्ति के लिए लिया होगा, ले ली उन्होंने, अब हम उसको अलग अलग दिशा कोण आयाम से जांचने का प्रयास करते हैं, ध्यान दिलाने का कि जिस पर्पज़ को पूरा करने के लिए अपन कर रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ऐसी कोई भी और सुविधा है तो भाई जिस पर्पज़ को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है ना, अगर उन्होंने अपने प्रयोग के तहत ले भी लिया तो हम बात, लेकिन उसमें फिर ध्यान आकर्षण करते हैं अपन बार बार कि वो पर्पज़ पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें भी बहुत सावधानी है, कहीं कटाक्ष की तरह तो नहीं कर रहे हैं हम उस काम को, कमेंट की तरह तो नहीं कर रहे हैं, तो बस
है ना, और सावधानी पूर्वक उसको करते हैं, तो धीरे धीरे जब उस व्यक्ति का ध्यान जाता है कि हमने इतना सारा मेहनत किया, ये सब खर्चा भी किया, उसके बाद भी वो अपेक्षा तो पूरी हो नहीं रही, तो फिर उसका मूल्यांकन शुरू होता है ना, तो वो सावधानी पूर्वक होने वाला काम है। लेकिन जो उनकी अपेक्षा है वो कुछ हद तक पूरी हो भी रही होती है भैया, टेम्परेली वो पूरी हो रही होती है, तो इसलिए वो उस कंटेक्स्ट में देख नहीं पाते हैं कि इससे मेरी इच्छा पूरी हो रही है। वो सबके प्रति स्पष्ट होके ही देखने की जरूरत है कि वो टेम्परेली पूरा हो रही है, तो क्या आपकी अपेक्षा उसको टेम्परेरी पूरा करने की थी या कंटिन्यूएशन में पूरा करने की थी, और क्या इस विधि से कंटिन्यूएशन में वो पूरा हो सकता है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि बड़ी गाड़ी से जाएंगे तो सम्मान मिलेगा, है ना, एक सिंपल अपेक्षा। तो भाई बड़ी गाड़ी से सम्मान मिलेगा या व्यक्ति के साथ व्यक्ति की तरह जी के सम्मान मिलेगा, कौन से वाले की निरंतरता हो सकती है ना, ये सब धीरे धीरे हमारे चर्चा के हिस्सा बनते हैं, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का ध्यान उसके समझ पे जाता है ना डे टू डे, बट वो बहुत बारीक काम है कि कई बार हम कटाक्ष की तरह कर देते हैं, तो वही फिर रिएक्शन में चला जाता है। वहाँ तो हमें जिम्मेदारी पूर्वक ही प्रस्तुत होना पड़ेगा, कटाक्ष और इस तरह की चीजों से हमें बचना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो और नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे आप लोग को ध्यान जा रहा होगा कि अपने समझना तो रिलेटिवली लगता था कठिन काम है, लेकिन जब आप दूसरे को समझाने की जिम्मेदारी लेते हैं तब पता लगता है कि वो उससे ज्यादा कठिन काम है। हाँ, क्योंकि उसमें भैया पीयर्स प्रेशर भी काम करता है ना मेनली, इसलिए बहुत उदारता के साथ चलना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत वो अपना प्रयोग कर ले, अपने हिसाब से तो प्रयोग करेगा ही कुछ, है ना, जब हम दूसरे का प्रयोग करने का भी अधिकार छीन लेते हैं तब थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत करेगा वो अपने ढंग से प्रयोग। भैया इसमें धैर्य भी बहुत रखना पड़ता है, बहुत पेशेंट होके। देखिए धैर्य तब रखना पड़ता है जब बिना समझे किसी को समझाने जा रहे हैं, समझ में आ गए तो पता है ये विधि से यही है, ऐसा ऐसा चलेगा तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर तो निश्चित ही है, तो फिर उसमें धैर्य का बहुत ज़रूरत नहीं है, फिर तो हमारा जीना ही वही है। तो धैर्य की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने अभी बहुत ठीक से समझा नहीं है, तब हमको बहुत याद रख के धैर्य रखना पड़ता है। तो जैसे अभी हमने इस बात को बहुत ठीक से नहीं समझा है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो तो अपने हिसाब से चीज़ों पर ध्यान देगा, अपने हिसाब से समझेगा, अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालेगा और एक समय लेगा, और हमने ये मान लिया कि हम समझा ही देंगे, तब आपको दिन भर बड़ा धैर्य रखना पड़ता है कि अभी तो समझ ले, शाम को समझ ले, कल समझ ले, है ना। लेकिन अगर हमको पता है कि पूरे वर्कशॉप में जो है हम एक आदमी को नहीं समझा सकते, हम तो सिर्फ लोगों का समझने में सहयोग कर सकते हैं, तो अपनी बात को सही ढंग से रख सकते हैं, जितने एंगल से लोग प्रश्न पूछेंगे उतने एंगल से चर्चा कर सकते हैं, उतनी बार चर्चा कर सकते हैं, ये सब हमारे डोमेन में है। लेकिन मैं एक आदमी को भी समझाने की गारंटी नहीं ले सकता, है ना। अगर ये पता है तो भले कोई चार दिन तक कुछ ना समझे, अपने को कोई बेचैनी नहीं, क्या धैर्य है ना, चल रहा आठों दिन ना कुछ निष्कर्ष निकले तो भी क्या बेचैनी है, ना। हम तो अपने एफर्ट लगा रहे हैं, हमको पता यही तरीका है, उस विधि से चल रहे, लेकिन ये पता ना हो तो फिर हमको मान के चलना पड़ता है कि भाई आज नहीं समझा चलो कल कर लेगा, दो दिन और धैर्य, तीन दिन और धैर्य, चौथे दिन और धैर्य, पांचवें दिन तक तो फिर धैर्य टूट ही जाता है, बोले खत्म, ये बैच बड़ा बेकार है, बोले कुछ नहीं निकल सकता इसमें, चलो घर समेटो। लेकिन अपने को पता है कि भाई विधि यही है, नियम यही है, चलेगी चीजें ऐसे, तो अपन नियम पे ध्यान रखते हैं, तो धैर्य अलग से नहीं रखना पड़ता, वही आपको धैर्य की तरह दिखता है, हमको अलग से धैर्य याद करके नहीं रखना पड़ता, हमको पता ही नियम ऐसे ही चलेगा, भाई आदमी अपने ढंग से सुनेगा, विचार करेगा उस पर बार बार, हम भी इसी विधि से गुजरे हैं, वो भी इसी विधि से गुजरेगा, तो अलग से धैर्य रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सबसे गुजरे बगैर जब करते हैं तब फिर याद रख के धैर्य रखना पड़ता है। भाई लेकिन अगर अपने को ये सब स्पष्ट है कि चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, बहुत बारीक बारीक आदमी देखता है, इतनी बार देखता है, अलग अलग दिशा को प्राणायाम से देखता है, तो फिर अपने को याद रख के कुछ धैर्य रखने की जरूरत ही नहीं। चलिए थोड़ी सी तो बात भी आगे बढ़ा दूं मैं, फिर ब्रेक करेंगे। तो इतनी बात हुई थी
कि हमारा लक्ष्य क्या है वो हमको स्पष्ट हो जाए, कार्यक्रम स्पष्ट हो जाए, तो हमारा अध्ययन वस्तु स्पष्ट होता है, फिर जांचने की अध्ययन करने की विधि क्या है वो भी स्पष्ट हो जाए। तो पहले अध्ययन करने की विधि को ही देख लेते हैं। कल से बात चली रही है कि जो भी कहा जा रहा है वो प्रस्ताव है, माने नहीं, जांच भी किसके आधार पर, स्वयं। तो ये प्रस्ताव है, तो पहले तो जांचें उसको अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर, फिर जी करके देखें व्यवहार में और कार्य में। व्यवहार में मानव के साथ जीते हुए अगर उभय सुख मिल रहा है तब तो ये प्रस्ताव ठीक है, कार्य में करते समय उभय समृद्धि मिल रहा है तब तो ये प्रस्ताव ठीक है। तो कितने जांच है, दो। पहला जांच कौन सा, अपने में जांच के विचार, अपने कल्पना में सहज स्वीकृति के आधार पर, फिर वैसा जी करके देखें। तो ये जो कार्यशाला है अभी यहाँ जो इतनी चर्चा हो रही है उसमें कौन सी जांच चल रही है, ये वाली। आप जांच रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्रश्न पूछ रहे हैं, चर्चा चल रही है, लेकिन साथ साथ आपसे ये भी अपेक्षा है कि इस चर्चा में जो कुछ भी आपको जांच में सही दिख रहा है आप वहीं छोड़ दें या जी के भी देखें। तो यहाँ पर रहते हुए एक दूसरे के साथ जी के देखिए, जीते हुए अगर उभय सुख उभय समृद्धि मिल रहा है इन 6 दिनों में तो ये प्रस्ताव अब आपका समझ बन जाता है। तो इसलिए इसको आवासीय कार्यशाला किए हैं कि दिन भर अपन चर्चा करें, ये जांच करें, जांच से कुछ निष्कर्ष बने, फिर आप उस निष्कर्ष को आपस में 6 दिन जी करके देखिए, 7 दिन जी करके देखिए। यहाँ अगर वैसा जीते हुए यहाँ उभय सुख उभय समृद्धि बढ़ रहा है तब तो ये प्रस्ताव ठीक है, अन्यथा इस प्रस्ताव को ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो ये विधि से अध्ययन करना ठीक है या इस विधि को बदलने की आवश्यकता है। तो 3 स्टेप हैं इसमें। पहला स्टेप उसको अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांचना, दूसरा स्टेप उसका मानव के साथ व्यवहार करके देखना, तीसरा स्टेप परिणाम को भी इवेलुएट करना कि मेरे में हार्मनी सुख बढ़ रहा है कि नहीं, जिसके साथ जी रहे उसमें सुख बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये 3 स्टेप, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा स्टेप, इन दोनों का परिणाम। 6 दिन इसको अगर कर करके आप देख ले रहे हैं तो जाकर कॉन्फिडेंस बनता है कि अब बाहर भी परिवार में इसको किया जा सकता है। तो इसलिए इसको आवासीय कार्यशाला रखा गया है कि हम लोग एक दूसरे के साथ खाना खाते हुए, खिलाते हुए, टहलते हुए, आते जाते हुए, ब्रेक के दौरान, सत्र के दौरान इसको आपस में जी करके देखें, है ना। तो देखेंगे 5वें 6ठे दिन तक आपस में जीते हुए क्या निष्कर्ष बन रहा है। चलिए अब चाय को निपटा लेते पहले।